हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस्मानाबाद घूमने की अच्छी जगह के बारे में। उस्मानाबाद शहर सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान के नाम पर आधारित है। यह कर्नाटक राज्य की सीमा पर दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। यह जगह गुप्तकालीन गुहाओं के लिए उल्लेखनीय है। देवी तुलजा भवानी मंदिर के कारण यह स्थान पूरे देश में लोकप्रिय है। उस्मानाबाद 7,550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर एक, तुलजा भवानी मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि यह प्राचीन मंदिर 12वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। देवी की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। माँ तुलजा के 8 हाथों में 8 विभिन्न प्रकार के हथियार है, जिसमें से एक हाथ में महिषासुर नाम के राक्षस का सर है। माना जाता है कि तुलजा भवानी का जन्म महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। महाराष्ट्र में लोग इन्हें अपनी कुल देवी के तौर पर भी पूजते हैं। नंबर दो, घाट शिला मंदिर। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान श्री राम को समर्पित है। माना जाता है कि सीता माता की खोज में भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से गुजरे थे। नंबर तीन, धाराशिव जैन गुफा। धाराशिव जैन गुफा, यह एक 7 प्राचीन गुफाओं का समूह है, जिनका निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध और जैन भिक्षुओं ने करवाया था। गुफा के अंदर कई जैन तीर्थकारों की प्रतिमाओं को भी देख सकते है। यह गुफाएं आध्यात्मिकता का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। नंबर चार, नलदुर्ग किला। नलदुर्ग किला एक प्राचीन किला है, जिसका निर्माण नल राजा ने मध्यकालीन वास्तुकला शैली में करवाया था। यह अपने समय का एक अद्भुत किला है। किले की मजबूत दीवारों को आज भी देखा जा सकता है। नलदुर्ग किला दक्षिण के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। यह किला काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर पाँच, परांडा किला। यह किला सालों से गुमनाम है, 12 एकड़ में फैला हुआ है। यह किले में 26 तोप है, जिसके अलावा किले का एक बड़ा हिस्सा तोप के गोलों से भरा पड़ा है। यहाँ कई तहखाने भी है। किले के अंदर एक प्राचीन मस्जिद है जो 24 पिल्लर पर खड़ी है। वेल दोस्तों, ये तो थी उस्मानाबाद के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।